बहुत स्वागत है आप सबका. अर्चना जी, सोनी लिप पे एक बड़ी मजेदार सीरीज आई है, विसल ब्लोअर. अच्छा. और आज उस सीरीज की स्टार कास्ट हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए उनको बुलाते हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन, मिस्टर सचिन खेड़ेकर एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड सोनाली कुलकर्णी. कैसे हैं आप प्रभु, कैसे हैं आप प्रभु? बहुत बहुत आपको देख के मन प्रफुल्लित हो उठता है हमेशा की तरह. आप बहुत सुंदर लग रहे हैं. कहां से ये? नहीं नहीं, एक्चुअली हम तीनों काले चोर लग रहे हैं. ये पूरा पार्सल कहां से आ रहा है? ये बस ये सोनी टीवी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये भाई साहब कैसे नाच रहे थे, जैसे विसल ब्लोअर में मेन रोल इन्हीं का है. रवि भैया, सोनाली जी, सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सच्ची में एक्चुअली आपने सलाह करके काले पहने के कुदरती ऐसे हो गया. नहीं नहीं, हम मतलब ट्यूनिंग जो है हमारी बहुत बहुत मतलब घुल मिल के काम किया था इस शो में, विसल ब्लोअर में जी. तो देखो ट्यूनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, तुम्हारे शो पे भी दिखाई दे रही है. आवाज मैंने सुनी थी, दिल चाहता है. ये सोनी लिव वालों ने ऐसे प्लानिंग करी है कि सोनाली जी रहेंगी ऐसे रेड साड़ी में यहाँ पे जुड़ा और साथ में दो काले कपड़ों में लोग रहेंगे ताकि इनको नजर ना लगे. ये हमें संगम का पोस्टर बनाना था, उल्टा वाला. बहुत बहुत ही कमाल लग रहा है. वाह. और रवि भैया, आप भोकाल मचा रहे हो, मतलब फिल्मों में, टीवी में, पॉलिटिक्स में, और अब ओटीटी पे भी आप इतना छा रहे हो. सच सच बताना, आपके मन में कभी कभी तो आता होगा कि जितना मर्जी भोकाल मचा लूं, जो मजा शर्मा जी के साथ आता है वो कहीं और नहीं आता. एक है यहाँ पर आके आप ना जिंदा हो जाते हो. अगर यहाँ आते हो तो आपको सडनली सारी तकलीफों से ये व्यक्ति आपको मुक्त कर देता है. तो मतलब जीवित मोक्ष की प्राप्ति, अगर जिंदा में ही मोक्ष चाहिए तो इस मंच पर. और मुझे देखो कपिल जी, मैंने इतनी सारी फिल्में की, मुझे कभी तुमसे शो पे मिलने का मौका नहीं मिला. एक विसल ब्लोअर की तो तुमने बुला लिया. ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं. लेकिन सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बातें करोगे, मराठीत बोल थोड़ा. मुंबईत तुझा शो शूट होतो, इतका छान वाटत मला तुला भेटून. हो की नाही अर्चना? त्यांनी बोलायला पाहिजे ना. म्हणजे मी, सचिन आणि रवीला पण फार छान मराठी येतं, अर्चनाला तर फारच सुंदर येतं. हो की नाही अर्चना? ते मी तुला म्हणायला पाहिजे. मला मराठी आहे, शेट्टी बार आणि रेस्टॉरंट. तू मला विसल ब्लोअरच्या कॅरेक्टर मध्येच भेट. मी म्हणजे अशी हँड्स अप करूनच तुला भेटीन. आणि आमच्या बरोबर एवढा शूटिंग करतो, इतके सगळे छान छान ऍक्टर्स आहेत आणि आमच्याशी मराठीत बोलत नाही. एनी देर ते बोलले जाते, बोलले जाते. मेनू वरती बोल मैं एनी देर की वेट करता पाई, तू सा शो तो आके मेरे से चढ़ी गए मराठी. प्यार से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना कपिल कभी कभी लगता है कि सब लोग बोलते हैं वो हमने सिग्नल तोड़ा, हमने ये गलती की, वो गलती की, लेकिन थोड़ा सा मराठी ऐसे फेंक दिया तो उन्होंने हमें छोड़ दिया. हमने बोला मामा, अरे चुकी झाली, सोडतो, असं कशाला मराठी शिकायचं. जिथे आपण राहतो तिथला थोडं यायला पाहिजे की नाही? ठीक आहे, मी मानना आहे सारी घालू. पंजाबी बोलणार पर मराठी सच ए स्वीट लँग्वेज. कितनी प्यारी लग रही है आप बोलती हुई. वाह. मुझे तो कसम से जब आप एंटर कर रही थी ना, मतलब तब से दिल चाह ही रहा है आपको. सीरियसली मतलब क्या करें. हाँ जी, सच सच बोल, तेरा दिल कितनों को चाहता है ये बता. जैसे खाने में आपकी थाली अनलिमिटेड होती है ना. हमने कभी पूछा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे व्यंजन खाती हो आप. चावलों के साथ हलवा खा जाती है. हमने कभी आपको कहा? हमारा प्यार वैसे ही है. We love her. That's it. You love her. अच्छा अर्चना जी, I just wanted to know, कपिल भाई, मैं
परसों देख रहा था शो के, पहली बात तो ये शो बहुत अच्छा आपने ओपनिंग दी, समस्त भारत को उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विसल ब्लोअर को आप लोग प्यार दे रहे हैं। ये फोटो आपकी इंस्टा पे पतिदेव के साथ थी एंड इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्या था वो, क्या व्हाट वाज बर्थडे था उनका? अच्छा मैंने भी देखी वो फोटो जिसमें उनका गला पकड़ के किस कर रही है। ऐसे जबरदस्ती क्यों किस कर रही थी, शादी के इतने साल बाद जबरदस्ती पकड़ना पड़ता। शादी के इतने साल बाद ही जबरदस्ती से पकड़ के किस करना पड़ता है। ओहो, और बड़े डरे हुए लग रहे थे। सचिन सर, मैंने आपको इतनी सारी जगहों पे देखा है, इतनी फिल्मों में, इतने सीरियल में। पिछली बार जब हमारे शो पे आए थे ना सचिन सर, तो मैंने कहा कि इनका चेहरा इतना धार्मिक है ना, सीरियसली मैं मतलब लेकिन ये शरीफ शरीफ धार्मिक टाइप नहीं है, बहुत नॉटी है यार। नहीं नहीं, आई नो। अरे बाय गॉड अर्चना जी, मैं क्या बताऊं, मेरे को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने ऐसा एक इमेज कंधों पे डाल दिया है कि मुझे लगता है कि अरे यार ये इतना भार मैं भी नहीं सह सकता। मतलब सारी जिंदगी इस बात पे चली गई, इतना मेरे को सीरियसली मत लो यार, मत लो यार। मैं बाय गॉड सड़क छप आदमी हूँ लेकिन। पर मेरे को सीरियस लगता है आप स्मगलिंग भी करो ना। हाँ। कोई शक ही ना करे आपको, इतना वो सोबर, इतने इंटेलिजेंट आदमी की मतलब कसम से मैं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ लिपस्टिक का दाग भी लगा हो ना। हाँ। तो बीवी बोले कि कोई गिर गई होगी, इनका कोई कसूर नहीं है। ओह नहीं यार, और ये ऊपर वाले की देन होती है सर। सचिन सर, क्या किरदार निभा रहे हैं आप विसल ब्लोअर में? मैं देखो जैसे शक्ल है, मैं डॉक्टर हूँ और अच्छा। बड़ा ऑनेस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिस्टम बड़ी बनी रहे और मेरिट के आगे पैसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ। okay. और फिर फंसता रहता हूँ। okay. तो सोनाली मैम, ओवरऑल अगर अभी मैं पूछूं, जी से मैम छोड़ो यार, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, मैं मुळेच तुझ्याशी बोलणार नाही, वाला जी आणि मॅडम म्हणालास तर बरोबर आहे की नाही? सोनाली म्हण, लिसन बेबी, बड़ा आस्ती की। ओके, आई लव, मैं मेरा मैं सेफ हूं यहां। देखो कुदरत ने हमें बांध रखा है, ऊपर से कोविड हो गया, हमारे पास काम नहीं था, दो बच्चे हो गए। हम बड़े मजबूर आशिक हैं और हमें मौका भी कैमरे के सामने मिलता है फ्लर्ट करने का। अब क्या करें, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विसल ब्लोअर किस बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विसल ब्लोअर में हम दिखा रहे हैं कि हमारे आसपास काफ़ी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में हमें एज अ नॉर्मल सिटीजन अचरज होता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये हम क्या सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है हमारे सोसाइटी में, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। राइट right. तो विसल ब्लोअर एक ऐसी कहानी है, हमारे डायरेक्टर मनोज पिल्लई बहुत बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो वो ये कहानी लेके आए हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी घटना आपको दिखती है, तो अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपना जीवन खुशी से बिताना है, तो उठिए, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल पूछना तो जरूर आपका हक अच्छा, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचिन सर ना मराठी में जो केबीसी आता है, कौन होनार करोड़पति, वो भी होस्ट करते हैं। जी सर, बहुत बार ऐसा होता है आदमी यारी दोस्ती में या रिलेशनशिप में कोई अच्छी पोस्ट पे हो जाए, फोन बड़े आते हैं कि हमारा, आपको कभी ऐसा कोई फोन आया कि सचिन भाऊ मेरा एक भतीजा आ रहा है, हाँ। 5,000 खर्चा करके उसका सिलेक्शन हुआ, कम से कम 15,000 जिता देना। By God आया, By God आया। सीरियसली? और हमारे, अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक सीनियर एक्टर का फोन आया था और really? उन्होंने कहा था कि सचिन हाँ एक काम था, ये मेरी पड़ोस में ये बड़ी होशियार बच्ची है, इसका नाम है सुहानी, हाँ। और ये जो है पढ़ी लिखी है, डबल ग्रेजुएट है, हाँ। अब तुम तो बैठे ही हो वहां, इसको कुछ करा दो, हॉट सीट पे बिठा दो। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने से चलता है, फिर रिटर्न एग्जाम भी होती है, फिर अब तो वेब पे हो गई, लेकिन फिर भी बड़ा सीरियस मामला है, इतना क्या, अब तुम बैठे हो इतना नहीं कर सकते? तो मैंने कहा बाय गॉड नहीं कर सकते। अच्छा इतना ही नहीं है, लोगों के फोन आते हैं वो तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि जो सामने आके बैठता है ना, जो भी है, तो वो सोचता है ए, फिर आपको देखता बी, है बी सी, मतलब आप ही से पूछ रहा यार हमको क्या ताड़ रहे हो। मैंने कोशिश की थी,
आप भी गेस्ट थे। हाँ, मतलब यार ये आप बताएगा। बताता नहीं है सचिन, मैं भी गेस्ट थी एक बारी और मैं सचिन को देख रही थी और मैं दोस्त हूँ, कुछ तो इशारा करो, मतलब बताओ। मैं होता सारे आंसर ईमेल कर देता आपको। आप देखो सर, कभी तो तुझे वहाँ बैठाया नहीं। हाँ। कभी ऐसा हुआ है सचिन सर, किसी ने कहा कोपचे में ले जाके कि सर 3.5 लाख जिता दो, डेढ़ आपका। ओह गॉड। और आपने गुस्से में कॉलर पकड़ लिया हो कि गलत हिसाब लगाता है 175 50 50। एक्चुअली पता है मुझे भी एक दो बार मौका मिला केबीसी में जाने का, एक तो माहौल वाकई म्यूजिक व्यूजिक सब आता धन रेडन, ऊपर से बच्चे साहब देखते महाशय मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जो जिनको आवाज में बोलते हैं ना, उनकी आवाज भी ऐसी, जिस कुर्सी पे आप बैठे होते ना वहीं से गुर्र गुर्र होता रहता है। सीरियसली। पर मैंने एक बात देखी, ऐसे सोनाली जी जैसी ब्यूटीफुल लड़की चली जाए ना तो बच्चन साहब के सवाल अलग हो जाते हैं। अच्छा, गुलाब का फूल किस रंग का होता है? और हम जैसे चले जाए, हुमायूं कब आया था? अगर हम बता भी दें कि इस साल आया था, इस दिन आया था, फिर आगे बढ़ते हैं, कितने बजे आया था। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली। आइए आइए। अर्चना जी, ये बाय गॉड सही बात है कि संडे हमारा कपिल के बिना निकलता नहीं है। वाँ वाँ। और जो एपिसोड हम देखते हैं वहां तो सामने बैठ के हंसते हैं ना। हाँ। आज तो यहाँ बैठे हैं। हाँ। तो कुछ अलग ही एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब, एंड इसको मैं बोलता हूँ बॉम्बे ड्रीम। हाँ। अच्छा। कि एक ऐसी कहानी है। हाँ। कि जो अमृतसर से पता नहीं जो भी सपने लेके आए होंगे और यहाँ आने के बाद जो सपने साकार हुए हैं उसका ये बहुत कमाल एग्जाम्पल है। बहुत टैलेंटेड। लव यू सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और पता है ये मुझे, एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, मुझे ना, मुझे हर एपिसोड सपने जैसा लगता है क्योंकि हम आपको हमेशा देखते आए हैं बड़े पर्दे पे, है ना। तो मुझे कभी कभी सच्ची में यकीन नहीं होता कि मैं इतना बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले का कर्म है सर, बोले ना। अरे वाह। हाँ। आप पिस्ता खाएंगी? नहीं नहीं, आप नहीं। I'm okay. सारे लेडीज ड्राई फ्रूट है, आप भी ले सकते हैं। नहीं, वो सेकेंडरी ऑफर है सचिन, तुमको पहले तो सोनाली को ही है ऑफर। हाँ, इफ यू डोंट ईट देन आई विल गिव सम टू सचिन। आपके पास जो बोतल है वो भी पूछ लो। मुझे अर्चना को एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। अर्चना, तुम्हारे स्टॉकर्स तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, तुम इतनी यंग हो। मुझे तू, आई लव यू। Oh, I love you too. Ah. And you're looking like a million bucks. Thank you. मैं तुम्हें बताने वाली थी, सालों पहले तुम एयरपोर्ट आई थी मिडिल ऑफ द नाइट और तुम राह देख रही थी किसी की और मैं वहां आई थी किसी को रिसीव करने। यू वर वेल ड्रेस्ड, यू वर नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम, यू वर सो स्टाइलिश। थैंक यू। एंड बाद में ऑफकोर्स तुम, आई वॉन्ट टू नो आया था कौन, तुम्हारे स्वीटहार्ट ही आए थे। अच्छा, ओके। अब मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्यों? एक महिला दूसरी महिला की इतनी तारीफ कर रही है। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती और जेलस होती हैं। Exactly. आप जाओ एक वैन में बैठ जाओ, मुझे रिकॉर्ड करना है, आप लोग क्या बातें करते हो मुझे रिकॉर्ड ही करना है। मुझे लगता है कि ये लड़के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा गॉसिप करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। पर देखो बातें आप ही की करते हैं हम। क्लीन बोल्ड, मतलब आउट हो गई मैं। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, ये जो 3 माले के आपने एयर रिंग्स पहने हैं, मतलब कमाल है। वाह। दिल चाहता है कि कितने साल हो गए सोनाली जी? लगता तो है कि 2 साल हो गए हैं लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 20 साल हो गए। वाह। कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं आप? कोई तो फर्क नजर आए 20 साल बाद, कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो सारी टीम ही यंग लगती है ना, तो मुझे भी टीम का हिस्सा होना जरूरी है, तो माँ बन गई हूँ लेकिन वही एक शायद च्यवनप्राश है। आपकी शादी हो गई? ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है। बेटी है मेरी 10 साल की। एक्चुअली 20 साल बाद भी सेम आप वैसी की वैसी लग रही हैं। True, so, बड़ा मजा आया आज आप। ये सीरीज में रवि भैया चीटिंग करवा रहे हैं। तो रवि भैया, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूं?
हाँ मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों, तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्ले उन्होंने कहा कि नहीं आप ही कर सकते हो ये किरदार, बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्वो और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो, और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है, तो ये रोल जब मुझे मिला मैं लौट ठीक है किरदार ही करना है, तो बोले सब सब कहें सांसद हो गए आप बड़ा सोच समझ के, मतलब देखो सांसद हूँ और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना, गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को, वो मेरी पहली पहचान है, मैं किरदार करूँगा, हाँ राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत, इसमें एक है कि किरदार है और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है, इसलिए ज़िंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की, हम ये चारों जो बैठे हैं हम लोगों ने, लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं, तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय है। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी एक श्याम बेनेगल जी की, हम लोगों ने फिल्म की थी हम लोग, अरे याद मत दिलाओ, वेल्डन अब्बा। तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था जी, श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो उन्होंने बोला कि एक रोल है करोगी, मैंने कहा करूंगी, उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है वंडरफुल जी। तो मैं हैदराबाद चली गई, वी वर शूटिंग एट रामोजी राव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो, उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर, तो उन्होंने कहा रेडी वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है इसके ऊपर कूदना है, यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। मतलब मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन रवि था साथ में तो हमें मजा भी बहुत आया। भाई ऐसा कुछ नहीं था, आप फिल्म करने ले आप। अरे नहीं भाई, अरे रुको, अरे 300 लोगों की यूनिट थी, कैमरा मैन था, श्याम बाबू बैठे थे। प्यार से बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी तो देनी चाहिए ना। याद है आपके साथ मेरा गाना था कितना, एक भूल गई कौन सा लवली मोमेंट, वी बोथ वर डांसिंग। अच्छा, फॉरगॉटन रवि, आई एम सो सॉरी। बताओ तू कैसे भूल सकती हो। अच्छा पर रवि बाबू भी मतलब अभी क्योंकि सांसद हो गए हैं, तो अभी भाई बहुत बार होता है आप एक्टर सबसे पहले, पहली बात तो ये तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, यादें सारी रखी हुई हैं। हाँ हाँ, अरे ब्यूटीफुल मोमेंट था वो सब। अच्छा गाना आपको एक एक याद है रवि बाबू। सांसद एक सेवा के रूप में मैं हूँ, आप लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक इंसान में एक अभिनेता भी है और वो जिंदा भी है और सबको इसी तरह जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है वो उस दुनिया में जहाँ पे आप सांसद हो, तो देश भी समझ सकता है वो दुनिया मेरी, लेकिन इसी दुनिया से वो दुनिया मुझे मिली है। Absolutely. बहुत अगर कलाकार जाता है वहां पे उसको अपनी इंडस्ट्री की बात तो जरूर, जिसकी वजह से गया है जरूर, अदरवाइज मुझे कौन जानता था मैं कैसे सांसद बन सकता, वो भी इतनी हॉट सीट और गोरखपुर योगी महाराज जी की सीट जी, वहां का मैं सांसद बन गया तो इसी की वजह से ना, बिल्कुल इसी मेकअप की वजह से, इसी काले कैमरे की वजह से इसने मेरी जिंदगी बदल दी, तो मैं इसको कैसे इसका कर्ज चुकाऊं, इंग्लिश में कहा टाइम टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। क्या बात रवि भैया, पॉलिटिक्स की बात चलिए तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था, पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया, तो मेरे को ये पूछना था सर जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है। मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो
धोखा करते हैं राखी जी के साथ जी, कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन, तभी तो कास्ट खराब। वो यही अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा, तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारोमदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वॉज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है कपिल, बिल्कुल बिल्कुल, तो सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी, कच्चा लिंबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आपकी। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए जी। लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाओ। तो दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो है ऋत्विक भौमिक, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो विसल ब्लोअर में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। ऋत्विक, हाय ऋत्विक। हाय रवि सर, हाय सोनाली मैम, हाय सचिन सर। ऋत्विक एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहली ही अपनी सीरीज में नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बड़ा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद भी आप इतना क्यों डरे कि आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं आए? ओ आई मीन जोक्स अबाउट, कहाँ कहाँ बिजी आप? सर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ग्रेट पीपल, कपिल सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ वहाँ हर किसी के लाइफ में काफी इट वॉज डिफिकल्ट, सबके लिए एक बहुत ही कठिन समय गया। माई फादर वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ही वॉज इन हैविंग अ ग्रेट टाइम। उनकी वो खुद अपनी ही घर पे बैठ नहीं पाते, वो उनको काम करना होता है तो उनको घर पे बैठना पड़ा, तो वो ही वॉज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल। एंड सब कुछ ट्राई किया जो हर किसी ने इस देश में दुनिया में ट्राई किया, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके रीडिंग से लेके हर चीज, बट द ओनली थिंग दैट केप्ट हिम गोइंग वाज योर शो। सो थैंक यू डियर, थैंक यू। ऋतिक आपकी इस सीरीज में आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, रियल लाइफ में कभी आपने अच्छे नंबर आ जाते थे आपके, क्या कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ता था आपको भी? सर एक मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ, मजाक एक्चुअली है नहीं, असली बात है, बट मजाक के बाद में बन गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे आते नहीं थे बट मैं पास कर जाता था किसी ना किसी तरीके से। जो मेरा 12th का एग्जाम था उस आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने वाला हूँ, अपोलॉजीज टू एवरीबॉडी, ये कभी मत करना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ कभी कभी भी मत करना। मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी थी, तो ध्यान मेरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ नहीं था ज्यादातर। जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, तब मैंने अपना पेपर लिखा और फिर सारे क्वेश्चंस के साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और देखा कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, शायद मैं स्क्रिप थ्रू के पास आउट पास भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस एक पेज टर्न किया और एक चिट्ठी लिखी जहाँ पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेटर को कि जो भी ये चेक करेंगे मुझे, मेरे जिंदगी में मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और मुझे आके जाके यही करना है। अगर इस एग्जाम में फेल हो गया तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो शायद मेरी जिंदगी में कठिनाई आएंगी, और ये लिख के मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं सर, पासिंग मार्क्स होते थे कुछ 45 होता था पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100, मुझे पता नहीं कैसे 65 मिला अकाउंट्स में 12th में। I have no idea how, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी किया था और मार्क्स वैसे थे नहीं। तो जो पेपर चेक कर रहे होंगे शायद वो भी कभी एक्टर बनना चाहते होंगे, आपके दर्द को समझ लिया उन्होंने। नहीं आपको जब पता था एक्टर ही बनना है तो क्यों पिताजी के पैसे आपने लगवाए फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में? मैं तो कब से कह रहा हूँ पिताजी को कि मत कराओ, बट वो कह रहे थे नहीं नहीं ग्रेजुएशन एक आप जानते हैं इंडिया में जैसे होता है जी। ऋतिक मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस जो गाना है उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर ये नाच रहे थे, तो वो कौन आदमी था जिसने सबसे पहले आपकी लुंगी को आपके टैलेंट को नोटिस किया? I mean, अब आप बड़े कमाल के बेहतरीन रोल कर रहे हैं। अच्छा ये बात हमको भी नहीं है सही में, नहीं ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता नहीं ये खबर कहाँ से निकली, लेकिन वायरल है पूरे देश में ये चर्चा है। हाँ बट मैं नहीं था, आई थी वो तो मैं मिस्टर शामक डावा के स्कूल में था, आई टू टीच देयर, आई टू लर्न देयर,
एज ए डांसर, एज ए प्रोफेशनल डांसर मैंने काफी साल काम किए, लेकिन लुंगी डांस में मैं नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ लुंगी डांस. चलो कभी ना कहीं लुंगी में तो रहे होंगे, लुंगी डांस में ना सही, पर आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं. आपको आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स. थैंक्स अ लॉट. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है द विसल ब्लोअर से दूसरे अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आशीष वर्मा एंड अंकिता शर्मा. हेलो. नमस्कार. नमस्कार. नहीं उनको जफ्फी, उनको दूर से ही नमस्कार. हाँ, मतलब ये समझ में नहीं है. मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ. मैंने उनको वैन में भी बोला था. बहुत बहुत स्वागत है आशीष अंकिता वर्मा शर्मा. आइए बैठिए. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. अरे नहीं सर. व्हाट ए जेम पर्सन यू आर. यू ट्राइड. ट्राइड. आई ट्राइड सर. यू नो थैंक्स फॉर द ट्राई. इधर क्या हो रहा था. इधर बर्फ गिर रही थी. सर मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ बैठ जाऊंगी. एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ मैं पंजाबी हूँ और विसल ब्लोअर के लिए तो बहुत खुश है पेरेंट्स, पर वो कह रहे हैं तू ए 10 कपिल शर्मा शो ते कदू जाना है. क्या बात है. So proud of you. So proud of you. आज आप यहाँ तक पहुँच गए. सर मेरा जयपुर में शूट चल रहा था. मेरी मम्मी के फोन पे फोन आ रहे हैं कि अगर तू शो पे नहीं गया तो घर वापस नहीं आना. इस बात पर तो यार क्या बात है यार. धन्यवाद. धन्यवाद. अब मैं आप दोनों से ये बोलना चाहता हूँ. बहुत यंग है और बहुत ही कमाल का काम आपने किया है. इनकी तरफ देखिए. इतनी सारी फिल्में करी हैं. पहली बार आज हमारे शो पे आई हैं. मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर का नंबर चाहिए जिससे उपाय करा के आप यहाँ तक पहुंचे आए. तो विसल ब्लोअर के लिए ऑडिशन हुआ था कि सीटियां बजवा के देखी थी उन्होंने. ऑडिशन हुआ था सर और मैं चंडीगढ़ में ही थी. डोंट कॉल मी सर. ओके. जस्ट कॉल मी पाजी. बेबी. आई मीन खुद के दो बेबीज हैं. नहीं नहीं मेरा नाम वैसे कपिल है. एक है ना. दो सोनाली. दो. अच्छा सेकंड कब आ गया. नहीं नहीं चिल्ला चिल्ला के बोले दो सेकंड. अरे वो पहला पहले लॉकडाउन में हुआ दूसरा दूसरे लॉकडाउन में. ऐसा कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं. इतने इतने से हैं छोटे छोटे बच्चे. उनको क्या मतलब ऐसा. तो हाँ आप कुछ कह रही थी अंकिता. सर सर नहीं मेरा नाम कपिल है. घर का नाम मेरा जानू है. आप कुछ कह रही थी. तो ऑडिशन कॉल आया. मैं चंडीगढ़ में थी. मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग थी और बिग फैट पंजाबी वेडिंग. तो कॉल आया कि ये शो है और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था. मैंने इससे पहले टेलीविजन किया है. मैं बहुत ही डेस्परेटली OTT पर आना चाह रही थी और जब सुना तो लगा कि ये बहुत सही शो साउंड कर रहा है तो मैं ऑडिशन देना चाहती थी. लेकिन शादी का माहौल तो सबको चुप करवाया. अंदर ऑडिशन दिया और फिर एक हफ्ते बाद मुझे बोल दिया गया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ. वाव. और आशीष. सर मेरे को तो दो बार ऑडिशन देना पड़ा. तो पहली बार उनको यकीन नहीं हुआ. मतलब यकीन नहीं हुआ ये कर पाएगा. पता नहीं. तो री ऑडिशन हुआ मेरा. फिर मेरी मनोज सर से मीटिंग हुई. फिर मुझे निकाल दिया गया. हाँ अच्छा. फिर मेरे को दोबारा फोन किया गया तुम करोगे. मैंने कहा हाँ सर मैं करना चाहता हूँ. तो मुझे ऐसे एकदम रोते राते फाइनली मैं पहुंचा हूँ उसमें. अच्छा. लेकिन तो, क्या कैरेक्टर मिला है तुम्हें. कैरेक्टर इन्हीं के अंडर है. इन्हीं के नहीं नहीं मतलब दर्शक अभी मतलब कितना रिएक्ट कर रहे हैं. बड़ा फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. सोनाली मैम ये सवाल मेरा आपसे भी है और आपसे भी है. हमेशा ना जैसे इस सीरीज में भी दिखाया गया चीटिंग के हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं. नॉर्मली हमने हमेशा सुना है कि ये लड़के चीटिंग करते हुए पकड़े गए. लड़कियों के बारे में बड़ा कम सुनाई देता है. ये ऑनेस्ट होती हैं या पकड़ी नहीं जाती.
ऑनेस्ट होती हैं, है ना? हाँ. पकड़ी भी नहीं जाती. अब ये ऑनेस्ट निकली है. अरे यार, ये शर्मा गलत बात है. क्या? क्या बहुत गलत बात है शर्मा. विसिल ब्लोअर की टीम आई हुई है, मुझे बताया तक नहीं. यार ऐसे थोड़ी करते हैं यार, बताना चाहिए. मैं अपना तारुफ करा दूं, ऐसे दामोदर जेठ मलानी. मैं इस मोहल्ले का वर्ल्ड फेमस वकील हूँ. यहाँ पे बस यहीं पे रहता हूँ. वैसे नमस्ते रवि जी, नमस्ते सोनाली जी, नमस्ते सचिन जी. आओ यार थोड़ा बैठो, बहुत मजा आता है. कमाल के गेस्ट हैं, खुद ही बुला के अपने आप खुद ही बैठ जाते हैं. आपका तो अपना सोफा आपके साथ रहता है हमेशा. क्या आप इधर कैसे आज? नमस्ते नमस्ते नमस्ते. और अंकिता और आशीष, आप दोनों का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी सारी फिल्में देखी है मैंने. वो तो अभी अभी इंडस्ट्री में आए. बताया करो ना यार. बता दे नहीं. माय बैड. रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. ये मैं सही राह पे जा रहा हूँ. माय बैड. लेकिन वकील साहब, ये हमारा डेब्यू है, मतलब पहली वेब सीरीज कर रहे हैं. ओटी और सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन. फिल्में मैंने सारी देखी है. थैंक यू. पर मैं थोड़ा समझ जाऊंगा, मेरी रिसर्च, मेरा होमवर्क थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि कल मैं पार्टी में था. अच्छा. किसकी पार्टी में थे? नहीं, किसी की पार्टी में नहीं था. हाँ. चुनाव का माहौल चल रहा है ना. तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं बहुत डिमांड में रहता हूँ. अच्छा. सब मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त में उन्हें नारों की बहुत जरूरत होती है. तो आप नारे लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं नारे बेचता हूँ. ये वाले ये वाले है ना. ये नारे मैं बेचता हूँ. और क्या वहां पे अच्छी खासी भीड़ होती है? तो दस के दिन करके भेज देता हूँ. मैं बता रहा हूँ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता टूट सकता है, ये नहीं टूटेंगे. वकील साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग. वकील साहब, वो विसल ब्लोअर की प्रमोशन के लिए आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का? आई नो विसल ब्लोअर. मैंने ट्रेलर देखा. माइंड ब्लोअर ट्रेलर. मेरा तो विसिल करने का दिल भी किया. ओ, मजा ही आ गया यार. वैसे एक बात बताइए, कौन से वाले एपिसोड का प्रमोशन करने आया, पहला के दूसरा? कौन से क्या? सारे एपिसोड की प्रमोशन कर रहे हैं उसमें क्या? सारे एक साथ? हाँ? नहीं, गलत बात है. क्यों? यहाँ पे जो 1.5 घंटे की फिल्म होती है लोगों की, उसके लिए हम एक पूरा एपिसोड बनाते हैं. आपके पास तो 9 एपिसोड है. 8-9 घंटे का कंटेंट एक एपिसोड में नहीं है. आप वापस आइए, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि आपके साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ. आप लोगों को वापस आना होगा. ओके ओके ओके. आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी कपिल चाहते हैं, जो भी डाइट का फूड, वो आपके मुंह. पिज्जा बर्गर आई प्रिफर. पिज्जा थोड़ा सा खिला दीजिएगा, मजा आएगा. लेकिन ये आपकी जो ये सीरीज है, मैंने सुना है इसमें कुछ चीटिंग वीटिंग ऐसा हो रहा है ना. मेरे साथ भी है. मेरे को एक वाकया याद आ गया. मेरा एक दोस्त था राहुल, उसकी जगह पे एक बार मैं पेपर देने चला गया था. चीटिंग कर रहे थे आप? मैंने चीटिंग नहीं कर रहा था. वो पेपर वाला था ना, वो घरों में पेपर देता था. उसकी जगह पे मैं पेपर देने चला गया. तो वो खुद क्यों नहीं गया पेपर देने? नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे का एग्जाम का पेपर देने गया हुआ था. राहुल बोल चीटिंग. राहुल इज अ चीटर. राहुल इज अ चीटर. चलता रहता है. पर सोनाली जी, दिल चाहता है. ओहो. वकील साहब, इतना मुंह ना हिलाया करो, गिर जाएगा नीचे. मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ. दिल जैसा है, किसने बनाई थी ये फिल्म? वो अपना अख्तर लड़का था क्या? अपना फरहान अख्तर. उनका नाम नहीं भूल सकते आप. मैं फरहान अख्तर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ. अच्छा. ही इज अ वेरी गुड सन ऑफ जावेद अख्तर. क्या कभी उनसे आपकी मुलाकात हो ना,
तो उनसे कहिएगा कि मुझे लेके फिल्म बनाए। अच्छा क्यों अच्छा। क्यों आप में क्या कोई टैलेंट है आप में? कूट कूट के भरा है। आपको पता है मैं भागती हुई भैंस का दूध निकाल सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो हद है। निकाल देता हूँ। बाप रे बाप, भागती हुई भैंस का दूध निकाल। इतना डिफिकल्ट है। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या वैसे आपने फालतू की बात की है? अच्छा, जब वो कहावत आई थी कि उड़ती चिड़िया के पर गिन ले जाऊं, तब वो आपको फालतू नहीं लगी। नहीं मैं जान हथेली पे लेकर भागती भैंस का दूध निकाल रहा हूँ, वो बात इन्हें फालतू लग रही है। अति हो आप अति। यार गलत बात है यार शर्मा, ऐसा मत किया करो। आई नो व्हाट इज डूइंग। ये क्या यंग टैलेंट को उभरने नहीं दे रहे हैं? दबा रहे हैं यंग टैलेंट को। आप कहां से यंग हैं? मैं बचपन से यंग हूं। बचपन से यंग हूं मैं। कभी भी मेरे घर पे मेरे हैप्पी बर्थडे पे आइए। 17 साल वाली कैंडल अभी तक जल रही है। फॉरएवर 17। पर मैं एक बात को लेके ना जरा कश्मकश में हूँ। प्लीज हेल्प मी। रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए मुझे। ये दुनिया जो है ना, लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है और हमारा ये जो शो है ये तो 6वें और 7वें दिन पे आता है। क्या हम जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है? अरे वकील साहब, ये तो खाली वैसे मतलब कहने की बात होती है, उसमें क्या? अच्छा अच्छा, कहने की बात है। हाँ। वैसे ही जैसे ये भी सिर्फ कहने की बात है अर्चना जी कि हमारा शो 9:30 से 11 बजे तक आता है। हाँ। ये भी कहने की बात है क्योंकि असलियत ये है कि हमारा शो 9:45 से 11:30 बजे तक आता है। मैं चाहता हूँ कि शो टाइम पे आए। हाँ। क्योंकि क्या है, आप बात को समझिए, अभी हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं तो अभी बजे हैं 10:30। अब घर पे बैठा हुआ कोई इंसान जो 10 बजे सो गया है, हाँ, उसके लिए मेरा स्टारडम तो 0 हो गया ना। He doesn't know me. I am a nobody. Very wrong. कहाँ है मेरा स्टारडम? अब रिलैक्स होके बैठिए पहले तो। नहीं नहीं, आई एम रिलैक्स। देखिए इन चीजों में क्या होता है कि इंसान जो है नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नहीं नहीं, ठीक है, टेक इट इजी। अरे एक मिनट, आई हैव अ ट्रिक। वकील साहब, मैं आपको एक पदवी देना चाहती हूँ। बताइए। हमारे शो का नाम विसल ब्लोअर है ना, ये आपकी जो अभी एक्शन हुई, आप विसल बाउंसर है, मतलब ये बाउंस हो गया। विसल बाउंसर। देखिए। नहीं लेकिन सही में कायदे से ना, सोनी इज अ गुड प्लेस टू मेक मनी। आई हैव रियलाइज्ड। आप भी सोनी पे, हम भी सोनी पे हैं, सब लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, वो अलग बात है। पहले क्या है, चैनल ने जब इनको साइन किया तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पैसे दे दो या खाना दे दो। चैनल बोलता खाना। जब इन्होंने खाना खा के दिखाया, वो कहते नहीं आप पैसे लो। वकील साहब क्या पैसा पैसा लगा रखा है, सुना नहीं आपने? मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ओ बाबू। कहां से ये उठा के लाए? आप ऐसी ना 40 वन लाइनर में आपको सुना सकता हूँ। इट इज वेरी लोनली एट द टॉप। That is why a Ferrari has 2 seats and a bus has 40 seats. छुआ दिल को छुआ? बहुत ज़्यादा। छुआ? छुआ। मज़ा है ना? बड़ा प्यार करता हूँ यार इनसे। बड़ा प्यार करता हूँ। ये पहले भोजपुरी फिल्मों में कट्टा चलाते थे, अब ये सत्ता चलाते हैं। वाह वाह। नहीं मैं, ये पॉलिटिक्स की जो दुनिया है ना, एक बार मैं आपको बताऊं, मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था। फिर क्या, मेरे पीछे वाले ने मुझे डांट दिया कि बैठ जा मोटे, मुझे रवि किशन दिख नहीं रहा। तो मैं बैठ गया। उसके बाद चुनाव में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। होता है। नहीं सर, आप जुड़वा 2 में थे ना जी?
मेरे को ये नाम समझ में नहीं आया। जब जुड़वा है तो टू तो होंगे ही ना, जुड़वा वन तो होने से रहा। लेकिन फिल्म अच्छी थी यार, फिल्म बड़ी अच्छी थी, मजा आया मुझे, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा था। लेकिन अंकिता जी, आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आपको देख के ना मुझे अपने पापा पे बहुत गुस्सा आता है। हैं? क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा थे ना, हमेशा कहते थे कि शर्मा जी के लड़के को देख कहाँ आगे बढ़ गया, शर्मा जी के लड़के को देख क्या कर रहा है, शर्मा जी के लड़के को देख। मैं सारी जिंदगी शर्मा जी के लड़के को देखता रह गया और शर्मा जी की लड़की देखो कितनी खूबसूरत निकल आई। मैं कहाँ देखता रह गया, दुनिया आगे बढ़ गई। मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। आपका आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांजा और काइट, आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांजा और काइट। टेल मी वेयर इज द पार्टी टुनाइट। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आज फुल फॉर्म में वकील साहब आप? हाँ हाँ जी, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या पूछ रहे थे आप? करने क्या आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे बहुत कुछ करने आया हूँ दुनिया में वैसे मैं, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा रवि जी, घुटने का दर्द कैसा है? आए बड़े फिट है, क्यों दर्द है? कोई दर्द नहीं घुटने पे, आप शक कर रहे हैं? नहीं, कोई दर्द नहीं है हमारी। तो मेरे घुटने में भी कोई दर्द नहीं है तो फिर हम दोनों बैठे क्यों हैं, डांस क्यों नहीं कर रहे? नॉर्मली तो आप हमेशा हीरोइन लोगों को पूछते हैं, आज आपने रवि बाबू को पूछ लिया। आज जरा भोजपुरी फ्लेवर का जरा वो, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज, एक माहौल बनेगा और इन लोगों का प्रोमो भी बनेगा। ये भी चलता रहता है तो आइए हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, आपको फिर आना है। बिल्कुल, चलो भाई। अच्छा, आप सब सोशल मीडिया पे तो रहते हैं सर, है ना? हाँ जी। अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास टाइम नहीं होता कमेंट्स पढ़ने के लिए, तो वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ वन पर्सन जो ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लेके आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, प्लीज। अच्छा, रवि भैया ने ये फोटो डाली है, छठ पर्व पर श्रद्धालुओं के सहयोग सहायता सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन ने कर रखी है तैयारी। ओके, रवि भैया हैं, काफी लोग हैं और साथ में सब्जियां पड़ी हैं। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। क्या भैया 20 रुपए कम कराने के लिए इतने लोग ले आए? लाल कुर्ते वाले का कुर्ता ऊपर करो, जरूर इसने तरबूज छुपा रखा है। भैया जी, चाहे आप कितना भी भौकाल हो जाओ, जब भौजी कहे सब्जी लेकर आओ तो लानी ही पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। रवि भैया चेक करने आए हैं कि आलू से सोना कैसे निकलता है। वाह वाह, जनता बड़ी क्रिएटिव है हमारी सर। आगे और दिखाइए। ओ सोनाली, दैट हाई ऑफ द स्वीट स्वेट। चलिए जी, इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। आप साइना नेहवाल लग रही हैं, पनीर नीति की जगह आप भी वो रोल कर सकती थी। किसी लिखा पनीर नीति नहीं परिनीति है, गरीब के मुंह में पनीर आ रहा है, तुझे क्या तकलीफ है। और दिखाइए क्या क्या कमेंट्स करते लोग हैं। पनीर नीति, पनीर नीति। जिम तो इन्होंने आधा घंटा की, अच्छी सेल्फी लेने में एक घंटा लगा दिया। मैं कुछ और कमेंट करने वाला था लेकिन आपका घोंसा देख के चुप हो गया। और दिखाइए।
अंकिता तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं नहीं, ये सीरियल का है। अच्छा, दिखाई जरा कमेंट्स। ऐसी हरकतों की वजह से ही दुल्हन मंडप में लेट पहुंचती है। Oh my God. अब ये गाना गाएंगी, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। चेक कर लेना मैडम, मेरे वाले रंगून बोल के बैंकॉक गए थे। और दिखाइए। सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरी शादी के लिए ऐसे रिश्ते क्यों नहीं आते? मम्मी भी कैसे कैसे रिश्ते लेकर आती है। रिप्लाई किया, तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं वही बड़ी बात है। पंखा मत चला देना, फोटो खींचने वाला घूम जाएगा। और दिखाइए। अरे वो हो, दिखाइए जरा कमेंट्स। रवि भैया फोटो में आप एकदम संत लग रहे हैं। ओ बदमाश। संत नहीं, श्री संत लग रहे हैं। किसने पूछा वैसे श्री संत है कौन? नासा में साइंटिस्ट है। बकलोल। बकलोल क्या होता है? बकलोल बेकूफ। अच्छा और दिखाइए। भैया महुआ पी के फोटो ना खिंचाया करे, आंख सूजी लग रही है। ये अच्छा है, बाल का रंग बच जाए तो दाढ़ी में लगा लो, और दाढ़ी का बच जाए तो ज्यादा घोलते ही क्यों हो। आपकी लेफ्ट आंख आपकी राइट आंख को शक की निगाह से क्यों देख रही है। और दिखाइए। लो जी, आशीष ने फोटो डाला। द हार्डर आई ट्रेन द मोर आई बिलीव आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हाँ जी। हैशटैग वर्कआउट। वर्कआउट की ट्रेन के बीच में जाके वर्कआउट कर रहे हैं। सर अब आई एम अ वर्कोहोलिक, आई एम अ जिम गोअर। ये कौन सा जिम हुआ? खाली था सर, ट्रेन किया। दिखाइए कमेंट्स जरा। आपकी फोटो देखकर लगता नहीं आप राइट ट्रैक पर हैं। तो प्रोडक्शन ने बोला था ट्रेन से भेजेंगे, ऐसे भेज रहे हैं। अच्छा हुआ तुम्हें फ्लाइट का नहीं बोला, सोचो कैसे जाते। और दिखाइए। फॉर द लव ऑफ व्हाइट। लवली सोनाली, ब्यूटीफुल। थैंक यू अर्चना। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी मुस्कान तो तभी आती है जब दूर से आती हुई मेड दिख जाए। मैडम आप अगर बालकनी में खड़ी हो तो फोटो खींचने वाला कहाँ खड़ा है? कैस क्यूरियोसिटी लोगों को। और दिखाइए। दिस इज फ्रॉम गोवा। ऐसी लड़की जिस बालकनी में खड़ी हो अखबार वाले फ्री में दो अखबार फेंक जाते हैं। आप कौन सी कॉलोनी में रहती हैं मैडम? हमारे सामने वाली बालकनी में तो तोंद वाले अंकल आते हैं तौलिया पहन के अपने सर की मेहंदी सुखाने। और तोंद वाले अंकल। इंटरनेशनल योगा डे। वाह, दिखाइए जरा कमेंट। डॉग बी लाइक, इनके योगा के चक्कर में मेरी चटाई छिन गई। थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो फिर आप बाबा रामदेव की बायोपिक भी कर सकते हो। योगा से ध्यान हटाइए, योगा के चक्कर में डोगा भागा जा रहा है। डोगा, डोगा। और नेक्स्ट। ओह सीटी, बड़ी बल्क में इंग्लिश है, कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट्स दिखाइए। सर केबीसी कैसे खिलाना है, इसका कोर्स करने आए हो? नहीं, ये इनका रिजर्व बैंक है, यहां से पैसा जीत के अपने शो में खिलाते हैं। और बच्चन जी भी लाइक, हमारे शो की बहुत शाखाएं हैं, उनमें से एक गल्ले पे सचिन जी बैठते हैं। गल्ले पे सचिन जी, आप तो स्टाफ बोल के ही 50 लाख तक पहुंच सकते हो। स्टाफ बोल के। और दिखाइए। ओह नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, लवली, मजा आया। व्हाट अ सेगमेंट।
आई लव दिस सेगमेंट. हां क्या कमेंट्स आ रहे हैं. अद्भुत. ये क्यू कार्ड है ये मेरे हाथ में, इसमें कुछ सवाल हैं, ये जनता के सवाल हैं. इन्होंने बोला कि क्या कभी ऐसा हुआ है. तो क्योंकि आपकी वेब सीरीज जो है उसमें चीटिंग जो है वो बहुत हो रही है, तो ये आप सबसे सवाल है, कभी ऐसा हुआ है रिपोर्ट कार्ड में आपने खुद के नंबर बढ़ाए हों? ओह गॉड. बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी हैं? रिपोर्ट कार्ड में नहीं, पेपर में किया था कुछ. जब आंसर शीट्स मिलती है ना एग्जाम के बाद और आपको पता चलता है, तो मुझे पांचवी कक्षा में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले थे. अच्छा जी. मतलब 15 मार्क्स के यूनिट टेस्ट के पेपर में 10 ही मार्क्स मिले थे. 15 में से 10 कम होते हैं? बहुत कम है. आपको हम अपनी मार्कशीट दिखाएं? आपको पता चले कि कम किसको बोलते हैं? ये हमारा पांडे नहीं पीछे जो ड्रम पे. इसके एक बार नंबर आए मैथमेटिक्स में 12, तो इसने आगे ना 0 लगा ली. तो पिताजी को दिखा दिया. उसके बाद ने जो पीटा है, कहते साले तेरे 100 में से 120 कैसे आ गए. मैंने वो कर लिया है कि जैसे कॉलेज में थे और आई कार्ड जो कॉलेज का होता है और एडल्ट पिक्चर देखने गए, मुझे पिक्चर भी याद है रेड रोज. तो रेड रोज जब लगी थी तो एडल्ट्स थी पिक्चर और मुझे याद है अंबर ऑस्कर माइनर में लगी थी. तो मेरा जो बर्थ डेट है वो साल जो है उसको मैंने ऐसे गोल घुमा ब्लेड से निकाल के वहां नंबर चेंज कर लिया था कि मैं 18 लगूं. तो अगले को ऐसे दिखा दिया और जैसे ना छुप छुप के जाते ना ऐसे चल 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 भाग गए. उसके बाद में वो टॉर्च लेके आया था. अरे कौन था 18 का? इधर 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 हैं. तेरी मूछ नहीं निकली तो 18 हो गया. चल बाहर. आज इस भोले भाले चेहरे की पीछे की असलियत रेड रोज. देखो मैं समझ गया छुपा हुआ साहब. कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल की फीस कहीं और खर्च कर दी हो और फिर टेंशन हो गई हो यार अब क्या करें? नहीं मैं तो ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल में ऐसी कोई. हाँ मैं भी यही कहने वाला था. हमारी स्कूल में पांचवी में 5 रुपए, छठी में 6 रुपए, सातवीं में 7 रुपए वाली स्कूल थी. तो हम लोग ऐसे कुछ कॉन्वेंट या नेवर ऐसे प्रिविलेज लाइफ में जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं. तो पहले हमारे स्कूल के बाहर वो सोरठ वाला था, वो भी 5 रुपए से ज्यादा था. एक बार अर्चना जी ने अपनी स्कूल की फीस खर्च कर दी थी. फिर उनको समझ ना आया कि स्कूल की फीस भरूं कैसे. फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल महोदय, मेरे पिताजी की किराने की दुकान है और हम लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां गोली चलती रहती है, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती. तो फीस तो मेरी माफ की ही जाए, उल्टा मुझे स्कूल की तरफ से 1,000 रुपया अगर आप दे दें आपकी बड़ी कृपालता होगी. प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, बोले देहरादून में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है. बॉर्डर तो बंगाल पड़ता है या अमृतसर या राजस्थान पड़ता है. तो वहां भी माने नहीं, कहते ठीक है फिर 200 रुपया कम दे दो. कभी ऐसा हुआ आंसर शीट के अंदर आपने लिख के ज्यादा नहीं आए पर 100 रुपया रख दिया और आगे लिख दिया हो बाकी 100 काम होने के बाद? मेरा हमेशा ये पता नहीं क्यों, मैं प्रश्न के साथ मेरे जवाब खुद के रहते हैं अजीब से. अच्छा. बचपन से कुछ अलग से, तो मैं कुछ मन से कुछ भी लिख देता था. अच्छा. उसका 1-2 सेंटेंस पकड़ के प्रश्न का, क्वेश्चन का, और फिर अपने मन से एक अपनी कहानी को गढ़ देता था और मैं उम्मीद करता था कि मुझे उसमें मार्क्स मिल जाएंगे. पास हो जाता था मैं, बट 35-40% और 45% मैक्स. बट मैंने कभी भी जवाब पढ़े हुए नहीं और वो मेरे स्क्रिप्ट में मेरी शूटिंग के दौरान भी अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं रट्टा मार के नहीं बोल पाता हूँ और ये मेरे साथ दिक्कत है. 2 लाइन भी ऐसा बहुत किया रवि भैया. कभी बोलते थे ना क्योंकि मान लो अकबर ने भारत में आके क्या क्या चेंजेस किए, तो मैं एक बात कि ये आए अकबर उसके बाद मैंने लिखा देखो परेशानियां उनको भी बहुत थी जैसे आजकल भी होती हैं. तो ऐसे मुझे लग रहा था कि बात कर रहे हैं हम, तो भर के पूरा आता था. तो वही सेम 45%. धन्यवाद. इसी के साथ हमारे सवालात समाप्त हुए और आप जीते हैं लेडीज पिस्ता. बच्चन साहब की इतनी आज बातें की थी तो वो फीलिंग आ रही है. मिनट एक मेरे लिए नहीं, विसल ब्लोअर की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. आप लोगों का ये वेब सीरीज का प्रोमो देखा और ये मेरे को बहुत कमल का लगा. कमल का नहीं, कमाल का लगा. अरे नहीं बाबा, आज कमल के लोग आए हैं.
आज बाबा कमल के लोग आए हैं, कमल की ही बातें होंगी। आज तुमने रंग भी वही पहन के आई है। हाँ, आज सब इनके लिए। बाबा आप कितनी भी फिल्में कर लो, कितनी भी वेब सीरीज कर लो, लेकिन रवि किशन जी गोरखपुर में जो काम कर रहे हैं उसके लिए जोरदार तालियां होते हैं। मैंने ना कपू, इनके अंदर ना पॉलिटिक्स का एक जुनून देखा है, तो देखना इनकी आंखों में बहुत जुनूनी है। अर्चना जी आपको मालूम है? हाँ, पता है। पिछले हफ्ते ये एक बीएसटी बस में घुस गए। हाँ? हाँ, कंडक्टर बोला टिकट टिकट, तो कहते एक लोकसभा देना। खैर आप लोग तो जानते हैं ना, रवि जी बहुत बड़े यूपी हैं। यूपी नहीं, ये एमपी हैं। हाँ तो यूपी से हैं तभी एमपी हैं। अच्छा मेरे को आपको पूछने का था सर, आप यूपी से एमपी हैं तो एमपी से यूपी क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसा सवाल है? ये यूपीएससी का सवाल है। खैर लेकिन मैं इनके सच्ची में, मैं आदमी का बहुत स्ट्रगल देखी रे बाबा, बहुत स्ट्रगल किया। कहाँ जौनपुर से निकले, मुंबई आए, इधर हिंदी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी के तो सुपरस्टार है बाबा, क्या बात। तमिल, इन्होंने तमिल फिल्म की है, तेलुगु फिल्म की है, मराठी पिक्चर की है, गुजराती पिक्चर की है, मलयालम पिक्चर की। सर आप जब जौनपुर से निकले थे तो आप फिल्मों में काम करने निकले थे कि भारत भ्रमण करने निकले थे? वो वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल? आपका टाइल का भी काम है, कभी बताया नहीं आपने मेरे को। अरे वर्सटाइल मतलब बहुत टैलेंटेड है वो। हाँ तो वो अकेले थोड़ी टैलेंटेड है, इधर और भी बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। इनके वर्षा में क्या ईंट लगी हुई है, उसमें भी टाइल लगा। खैर मैं रवि जी के बारे में तो एक चीज बोलूंगी, वाकई में वर्सटाइल है। मेरे को ना इनका वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कपू। कौन सा? वो जिंदगी झंडे बा। अच्छा मैं, हाँ आप बोलो, आप बोलो। जिंदगी झंडे बा फिर भी घमंड। वाह वाह क्या, मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं डायलॉग की इतनी बड़ी फैन हूँ सर। अच्छा हुआ अग्निपथ में कांचा चीना का रोल आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर ये विलन होते तो कांचा चीना मांडवा नहीं झांडवा के पीछे लगा होता। हाय सोनाली, वेरी ब्यूटीफुल। आपको मालूम है आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है। क्या है? आप भी सोनाली, मैं भी सोनाली। तू तो सपना है। नहीं नहीं मैं 24 कैरेट सोना ली कल, उसकी बात कर रही। नहीं नहीं और ऐसा फालतू में नहीं, मैं लेकर आई हूं, मैं दिखाएगी। ये देखो सोना लेके आई आप? हाँ आई, देखिए किधर है रे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखता है तू? क्या सोना, ये तो हलवा है। हाँ तो ये 22 कैरेट का है ना? है? हाँ 22 कैरेट में बनाया, 2 कैरेट में सलाद में डालूंगी। खैर सर मैं सचिन जी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। सर आप थिएटर से हैं ना? जी। कपू थिएटर के लोग मेरे को ज्यादा जमते नहीं है। क्यों? बहुत नाटक करते हैं लोग। हाँ नहीं, कभी अंधेरी में नाटक करते, कभी पृथ्वी थिएटर में नाटक करते, कभी उधर बाइकल्ला में नाटक करते, उसकी बात करें। मेरे दोस्त है ना, मैं उनको फोन करती है मेरे को मिलो, बोलते हैं नहीं हम नाटक कर रहे हैं, ऐसा रहता है। हाय क्यूटी। हेलो। ये पूरा क्यों नहीं बनाया, इधर इधर रह गया, इधर आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? नहीं। अरे वाह, मेरे को आ जाता है देखना। मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। देखो आइए मैं आपको बात बताती हूँ। रवि किशन जी जी जब नए नए बंबई में आए थे ना, तो पहली बार एक रियलिटी शो पे गए थे, तो जब वो वहां बैठे थे ना, उनपे एक भी बात नहीं बनी थी। तो ये बात उनको क्यों बता रही है? मैं बैठ गया। अब समझदार पे इशारा काफी होता है, बात नहीं बनी तो नहीं बन रही है, क्या करेंगे। खैर एनीवे नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा। आप पहले डेली सोप भी करती थी ना? जी। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप ना डेली शैम्पू भी किया करो, बाल और अच्छे होंगे। तो ये सब बातें करने आई यहाँ पे? नहीं नहीं एक्चुअली ना मेरे को इनसे काम था। क्या? रवि किशन जी से
सर आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे. क्यों लगेंगे? क्यों लगेंगे भाई? एज प्रोड्यूसर लगेंगे. अच्छा, उधर ना हम लोग खाली टाइम में बहुत फिल्में भी लिखते हैं, तो हमने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में लिखी हैं. हाँ. आपकी फंडिंग हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा. हाँ. क्या है फिल्म? ये पिक्चर है, उसका टाइटल है हाँ. खिला के खोआ. हाँ. भौजी भागी गोवा. और खिला के खो. चलो ये तो चलो इस अभी ये दूसरी वाली जो है पारिवारिक फिल्म है, इसमें आप पक्का पैसा लगाएंगे. इसका टाइटल है यूज करके हमार वाईफाई पड़ोसी संग भागी भौजाई. नहीं भाग ऐसी फिल्मों में नहीं पैसा ऐसे फिल्मों में नहीं लगाएंगे. नहीं नहीं सर प्लीज हमारे को थोड़ा फंडिंग करो ना. नहीं नहीं अगर आप फंडिंग करें मैं आपको मसाज देगी. तुम फंडिंग मत मांगो, उनको बोलो फंडवा. फंडवा फंडवा देंगे क्या आप? चलो फिर अगर आप करेंगे मैं आपको सच्ची में मसाज देगी. नहीं 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 हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है सर. एमपी मसाज. नहीं नहीं नको रे. क्या होता है इस मसाज में? इसमें क्या करते हैं हम लोग कस्टमर को ना तेल लगा के उसको ऐसा कुर्सी में बांध देते हैं, फिर वो कुर्सी बस में रख देते हैं, ड्राइवर को बोलते चल, फिर 972 किलोमीटर बाद उसकी फट से मैसेज करना शुरू कर देते हैं. 972 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 972 किलोमीटर बाद एमपी आ जाता है, तो जैसे एमपी आता है हम एमपी मैसेज देते हैं, ऐसा रहता है. खैर सॉरी मेरे को ना मेरा जाने का टाइम है, वो मेरी 6 बजे की फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए. कब कहाँ बाहर जा रही है? नहीं नहीं बाहर नहीं जा रही, मैं ना घर पे बैठ के ना ऐसा 6 बजे की फ्लाइट देखती हूँ जाते जाते. तो अगर वो फ्लाइट मिस हो गई, अगर वो फ्लाइट मिस हो गई ना तो फिर 9 बजे वाली देखनी पड़ेगी मेरे को. We love you, Krishna. We love you. कुछ तो भूली गई कप्पू. हाँ. अरे रवि किशन जी ना मेरे बहुत बड़े फैन हैं. हाँ, हाँ तो ये घर जाके कहीं इनको ऐसे टेंशन ना हो जाए मैंने सपना के साथ डांस तो किया ही नहीं. करेक्ट करेक्ट. सर आओ ना सर, आप प्रोमो में आना चाहते हो? भले आप ना चाहो मैं तो प्रोमो में आना चाहती हूँ सबके साथ में. अरे, लेकिन एक मिनट, तुम इतना देश को आनंद दे रहे हो कृष्णा. कौन कृष्णा? वो तो मेरा भाई है. हाँ. अच्छा जो भी हो तुम इतनी सुंदर नारी के रूप में जो देश को आनंद दे रही हो. आओ. मैं सच्ची बोलती हूँ मैं इतना हीरो लोग के साथ नाची है पहली बार कोई हीरो मेरे को बुलाए लाए. लवली लवली लवली. क्या बात है. थैंक यू रवि भैया, सचिन सर, सोनाली जी, अंकिता, आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए. इतना मजा आता है कसम से. रवि भैया आप तो एक्चुअली ना मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आपके अंदर का जो एक बच्चा है ना, जो एक आपके अंदर का कलाकार है, वो उसके लिए बहुत सारी दुआएं. थैंक यू सो मच. और विसल ब्लोअर जिन्होंने अभी नहीं देखी है वो देखें, बड़ा मजा आएगा आपको. और विसल ब्लोअर के लिए तो आपको मुबारकबाद है ही, और आपकी आने वाली तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आते रहिएगा अभी आप. थैंक यू सो मच कपिल, हमें आपका भाग बनाने के लिए. थैंक यू सर. शुक्रिया दोस्तों. आप सबसे अनुरोध है बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. थैंक यू. Whistleblower!
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.